समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे की कलह एक बार फिर खुलकर सतह पर आ गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि बीजेपी हमारे चाचा को लेना चाहती है, तो फिर देर क्यों लगा रही है, चाचा को जल्द से पार्टी में ले लें। वहीं अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव से नाराजगी के सवाल पर कहा, मुझे चाचा जी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बीजेपी ये बताए कि चाचा को लेकर वे इतनी खुश क्यों हैं? बीजेपी के नेता चाचा को लेने में इतना विचार क्यों कर रहे हैं, आप खुद सोचें। भाजपा के लोग देरी क्यों कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। वहीं अखिलेश के इस बयान को लेकर शिवपाल ने कहा कि ये बेहद ही एक गैर जिम्मेदाराना और बचकाना बयान है। उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के उन 111 विधायकों में से एक हूं जिन्होंने चुनाव जीता है। यदि अखिलेश यादव मुझे बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते। उनका ये बयान गैर जिम्मेदाराना और बचकाना है। मैं सही समय पर अपने फैसले को मीडिया में बता दूंगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों ही इटावा में एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। दोनों नेता 10 मिनट के फासले के साथ इस जगह पर आए। हालांकि इस दौरान दोनों का आमना सामना तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर तंज जरूर कस दिया। दरअसल हाल ही में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने सपा के टिकट से जसवंत नगर सीट से चुनाव जीता था। हालांकि सपा के चुनाव हारने के बाद शिवपाल यादव पार्टी में अलग थलग पड़ गए। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। और तो और, शिवपाल की मुलाकात सीएम योगी से भी हो चुकी है। दोनों की मुलाकात के बाद अब माना जा रहा है कि शिवपाल जल्द ही बीजेपी में जा सकते हैं। वहीं 22 अप्रैल को शिवपाल ने सपा सांसद आजम खान से सीतापुर के जेल में जाकर मुलाकात की और कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान के लिए कुछ नहीं किया। शिवपाल ने कहा कि आजम खान के समर्थन में कम से कम अखिलेश को नेताजी के साथ संसद में धरने पर बैठना चाहिए था। शिवपाल ने आगे कहा कि मैं सीएम योगी से मुलाकात करके आजम खान की मदद करने के लिए कहूंगा। खैर, ये तो रही आजम खान की बात, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव के जब से नतीजे आए हैं तब से ही हर मौके पर शिवपाल यादव और अखिलेश एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। ऐसे में सपा में शिवपाल का भविष्य कब तक है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता।